हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप उन सभी व्यूअर्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल से लोकेशन में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शूट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल सा लोकेशन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये वो जगह है जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। ये है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। और इस स्कूल में आज हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से शूट करते हैं। शूट के लिए जो सामान मैं यूज़ करने वाला हूँ पहले मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। कुछ जो शॉट होंगे वो मैं विदाउट फ्लैश शूट करूँगा एंड कुछ जो शॉट होंगे वो मैं विद फ्लैश यूज़ करूँगा। मैं सारे इक्विपमेंट्स आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। और आइए मैं आपको स्टार्ट करूँ सबसे पहले। तो ये है गुडॉक्स AD200 लाइट। अगर मैं इस लाइट की बात करूँ तो आपने पहले भी मेरे शूट्स में इस लाइट का डिटेल देखा है। तो ये लाइट है, ऐसी दो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं दोनों लाइट्स यूज़ करूँगा। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं ये लाइट्स यूज़ करूँगा, अदरवाइज इसे यूज़ नहीं करूँगा। साथ ही यहाँ पे मेरे पास मेरा जो कैमरा बैग है इसे मैं ओपन करता हूँ। इसे ओपन करने के बाद जो मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ कैनन EOS RP। ये नई बॉडी है और कैनन EOS RP आज हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था या डाउट है कि कैनन EOS RP जो है वो नॉर्मल कैमरा या उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। तो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ EOS RP एंड लेंसेज जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 85mm 1.2 और वाइड एंगल के लिए मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ 16-35mm 2.8। तो ये लेंसेज मैं यूज़ करूँगा। समटाइम्स मैं 50mm भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे लगता है कि उस लोकेशन में 50mm की ज़रूरत पड़ी। एंड चलिए शूट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे दरवाजा है जिसमें हमने ठाकुर जी को बिठाया हुआ है। और इनका आप ओवरऑल लुक देखें इस तरीके का, जब भी आपको स्ट्रक्चर मिले तो आप इसमें एक फुल लेंथ का शॉट ले सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कैमरे की सेटिंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसमें 85mm 1.2 का लेंस यूज किया हुआ है। एंड ISO की अगर मैं बात करूँ तो ISO मैं यहाँ पे तकरीबन 200 का रख रहा हूँ। एपर्चर मैं यूज करने वाला हूँ तकरीबन 2.8 का। एंड सबसे अच्छी बात अभी के जो भी मिररलेस कैमरे हैं उनमें ये जो टिल्टेबल स्क्रीन दिया हुआ है ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। यहाँ पे सिंपल से शॉट हम लेते हैं। सिंपल से वेरी सिंपल शॉट ले रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप बहुत ही सिंपल वे पे बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, बस आपको जजमेंट करना है कि लोकेशन कितना आप बेटर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बहुत ही रेट्रो जगह है, बहुत सिंपल सी जगह है, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे शॉट्स लें। एंड कैमरा सेटिंग वापस से मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा सेटिंग है, मेरा जो एपर्चर है ये मैं रख रहा हूँ 8 के आसपास एपर्चर रखने का फायदा ये है कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर मुझे पूरा शार्प चाहिए। शार्प स्ट्रक्चर होने के कारण फोटो में शार्पनेस बहुत अच्छी मिलेगी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। तो ये हमारा मेन मोटिव है। हर जगह आप ब्लर नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड को दिखाऊँ तो बैकग्राउंड बिल्कुल उनसे सटा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर कर दूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एपर्चर बढ़ा के शूट करूंगा ताकि हमको शार्पनेस जो है वो प्रॉपर मिले। We'll be right back.
तो दोस्तों ये था हमारा लोकेशन नंबर टू, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा लोकेशन है, बट आप अगर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो ऊपर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जिसके साथ आप बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि आप हर बार बहुत प्रीमियम लोकेशंस हायर नहीं कर सकते, तो आपको लोकेशंस हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोशिश करना है कि आप नॉर्मल लोकेशंस को ही कैसे प्रीमियमली आप यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये एक सिंपल सा क्लासरूम है जहाँ पे हम पहले पढ़ा करते थे, तो इस क्लासरूम का ये जो दरवाज़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके पीछे मैं फ्लैश यूज़ कर लूँ या और कोई चीज़ यूज़ कर लूँ तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे मैं विदाउट फ्लैश शूट कर रहा हूँ, तो इस पर हम कुछ ट्राई करते हैं बढ़िया शूट करने का। यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरा दरवाजा है और ये एक विंडो है, तो इस विंडो के साथ मैं शूट कर सकता हूँ और इसके साथ मैं तो ये था हमारा शूट नंबर थ्री, बट लोकेशन बहुत सिंपल है, एक स्कूल का लोकेशन है जहाँ हम शूट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेलिंग जैसी बनी हुई है, यहाँ पे ये जो टाइल्स पिच किए गए हैं ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, और इसके पीछे अगर हम देखें तो अगर मैं उस साइड से शूट करता हूँ तो यहाँ पे बैकड्रॉप में मेरा ग्रीनरी मुझे दिखाई देती है, और अगर मैं उस तरफ शूट करता हूँ तो यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है उसका लुक दिखाई देता है। तो पहले मैं इस लेंस से शूट करने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो टाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसे मैं एज एन लीडिंग लाइंस वाले रूल पे शूट करूँ, तो लीडिंग लाइंस वाले रूल पे शूट करूँगा, उसके बाद लास्ट हमारा फिफ्थ लोकेशन हम जाएंगे और फिर ये वाला शूट डन करेंगे, तो देखते हैं कि हम इसे कैसा यूज़ कर सकते। अपर्चर शटर स्पीड एंड आईएसओ जो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपर्चर जो है वो मैंने मिनिमम रखा हुआ है, यानी कि 2.0 रखा हुआ है, ताकि मैं सारे सब्जेक्ट को ब्लर कर सकूँ, क्योंकि अदर जो चीज़ें हैं वो मुझे उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो, वो पॉप आउट हो, तो इसलिए अपर्चर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 2.0। शटर स्पीड रखी हुई है तकरीबन 1250, क्योंकि लाइट ज़्यादा है, और ISO जो है वो है 160 का, 160 का, और यहाँ पे मैं कुछ शॉट लेता हूँ रैंडम शॉट फटाफट। तो हमारा लास्ट एंड फिफ्थ नंबर का जो लोकेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा ग्रिल है जो कि काफ़ी पुराना है, और ये वो क्लास है जहाँ पे हम साइंस पढ़ा करते थे, आज इसकी हालत बहुत जर्जर है, बट आज इसके साथ कुछ शूट करेंगे, तो इसे आप एज एन प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का कोई बिल्कुल ओल्ड लोकेशन हो जहाँ पे आपके पास इस तरीके की चीज़ें हो, तो उसे यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा और प्रीमियम फोटो शूट कर सकते हैं, आज यही हमारा टॉपिक था। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ कि ठाकुर साहब आप इसको यूज़ करें, आप अपने मॉडल्स को हमेशा मोटिवेट करें ताकि वो काफ़ी अच्छा पोजेस दे सकें या पोजेस कर सकें,
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सिंपल पोजेस ये ले रहे हैं, मैं इनको पोजिंग के लिए गाइड नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे वापस मैं फिर अपर्चर जो है वहाँ 2.8 या इस टाइप का अपर्चर यूज नहीं करूंगा, मैं 5.6 या उससे ऊपर के अपर्चर यूज करूंगा। उसका कारण ये है कि मुझे प्रॉपर शार्पनेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पीछे ब्लरी दिखाने जैसा कुछ स्पेशली है नहीं। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको हर जगह ब्लर बैकग्राउंड दिखाना जरूरी नहीं है, आपके बैकग्राउंड की फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें शार्पनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो ये हमारा सिंपल सा लुक है मच्छर काटने का। यहाँ पर अगर मैं कैमरे की सेटिंग बताऊं तो तकरीबन जो मेरा ISO है वो जा रहा है 1250 का ISO है, और शटर स्पीड मेरी 160 है, अपर्चर जो है वो है 5.6 का, और यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हम किस तरीके से सिंपल लोकेशन पे एक अच्छा शूट कर सकते हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है एक अच्छे कैमरे की, एक अच्छे मॉडल की, एक अच्छे सोच की। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से आप सोचते हैं जो आपकी फ्रेमिंग होती है वही आपका आउटपुट होता है। तो आपने यहाँ पे हमारा आउटपुट देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फटाफट raja_austi007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर लें। एंड इसके साथ ही आप अगर हमारे वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो आप हमारे वर्कशॉप का डिटेल मेरे इंस्टा आईडी के स्टोरी में या फेसबुक के स्टोरी में देख सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको वेडिंग टेम्पलेट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट है psdraja.com, वहां पे जाके ढेर सारी फ्री PSD आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट थिंग है कि अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, और ठाकुर साहब के इंस्टा आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।